हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे ट्रिपल तलाक के ऊपर। अब ट्रिपल तलाक देना एक दंडनीय अपराध होगा और जो आरोपी पति होगा जो कि अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक देगा उसकी कुछ शर्तों पर जमानत हो सकती है। आज के इस टॉपिक में हम इसी बारे में बात करेंगे। ट्रिपल तलाक के बारे में जुड़े अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार यानी कि 19 सितंबर 2018 को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर अपने सिग्नेचर कर दिए हैं। 19 सितंबर 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस अध्यादेश पर मुहर लगी थी। सरकार ने इस अध्यादेश से मुस्लिम महिलाओं को 6 महीने तक राहत मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है। अब इसे 6 महीने के भीतर संसद में मंजूरी के लिए भी पेश करना होगा। तो चलिए जानते हैं, शुरू से आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से 3 तलाक पर पाबंदी लगाए जाने के बाद भी ये जारी है, इसके कारण सरकार को ये अध्यादेश लागू करने की आवश्यकता पड़ी है। इस अध्यादेश के तहत एक साथ 3 तलाक देना अवैध होगा और इसमें दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा का प्रोविज़न है। हालांकि इस प्रस्ताव में कानून का दुरुपयोग ना हो सके इसके लिए सरकार ने कुछ सुरक्षा के उपाय भी किए हैं। इसमें आरोपी मुकदमे से पहले मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत के लिए गुहार कर सकता है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इस प्रस्तावित कानून में अपराध को गैर जमानती बनाया गया है, लेकिन आरोपी मुकदमे से पहले अदालत का रुख कर सकता है, जहां पर मजिस्ट्रेट आरोपी की पत्नी का पक्ष सुनने के बाद जमानत को मंजूर कर सकते हैं। रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद देश भर में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं के साथ नाइंसाफी हो रही थी। ये मामला महिलाओं की गरिमा और उनके सम्मान का है, इसलिए हम इस अध्यादेश को लेकर आए हैं। चलिए जानते हैं कि आरोपी पति को किन शर्तों पर जमानत मिलेगी। मजिस्ट्रेट को सुनिश्चित करना होगा कि आरोपी पति को तभी जमानत दी जाए जब वो प्रस्तावित कानून के मुताबिक पत्नी को मुआवजा देने पर सहमत हो जाए। मुआवजे का जो अमाउंट है मजिस्ट्रेट ही तय करेंगे। मजिस्ट्रेट पति और उसकी पत्नी के बीच जो विवाद है उसे सुलझाने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलिस भी 3 तलाक के मामले में तभी FIR दर्ज करेगा जब पीड़िता, सगे संबंधी या शादी के बाद बने उसके रिश्तेदार खुद शिकायत दर्ज करवाएंगे। इस मामले में किसी पड़ोसी के कहने पर शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी। इस अपराध के तहत दोनों पक्षों के पास मामला वापस लेने का भी अधिकार दिया गया है। इसके अलावा इस कानून में केवल एक बार में 3 तलाक या फिर तलाक-ए-बिद्दत पर लागू होगा और ये पीड़िता को अपने लिए और अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांगने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाने की पावर देगा। इस कानून के तहत महिला मजिस्ट्रेट के सामने अपने नाबालिग बच्चे के लिए संरक्षण का अधिकार मांग सकती है, जिस पर अंतिम फैसला मजिस्ट्रेट का ही होगा। इस अध्यादेश में मुस्लिम महिला विधेयक की तरह ही प्रोविज़न होंगे। इस बिल को पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में पारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2017 में फैसला दिया था कि अध्यादेश लाने की शक्ति कानून बनाने के लिए समांतर ताकत नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि किसी बिल के पास नहीं होने पर उसके लिए अध्यादेश लाना संविधान के साथ धोखाधड़ी है और इसलिए उनकी अनुमति नहीं दी जा सकती। 3 तलाक बिल का राज्यसभा में बहुत ही कड़ा विरोध हुआ था। विपक्षी नेताओं ने मांग की थी कि इस बिल को कड़े परीक्षण के लिए संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए। प्रस्तावित कानून पर बढ़ते विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर सभी राज्य सरकारों से राय मांगी थी। ज़्यादातर राज्य सरकारों ने इसका समर्थन ही किया था। इस बिल के तहत तुरंत 3 तलाक या तलाक-ए-बिद्दत को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अपनी पत्नी को एक बार में 3 तलाक बोलकर तलाक देने वाले मुस्लिम पुरुष को 3 साल की सज़ा हो सकती है। इस बिल में मुस्लिम महिला को भत्ते और बच्चों को परवरिश के लिए खर्च को लेकर प्रोविज़न किए गए हैं। इसके तहत मौखिक, टेलीफोनिक या फिर लिखित किसी भी रूप में एक बार में 3 तलाक को गैर कानूनी करार दिया गया है। इसी तरह पिछले साल 2017 में अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में 3 तलाक को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया था।
तीन तलाक के संबंध में कई मुस्लिम महिलाओं ने याचिका की थी कि उनके पतियों ने उन्हें स्काइप या व्हाट्सएप के जरिए तीन तलाक दिया है और उन्हें बेसहारा छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो तीन तलाक की नई अपडेट्स के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।